हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर इनिस। आज आप लोगों को दोस्तों हेडेक सर दर्द के बारे में बताएंगे। दोस्तों तो सर के दर्द को सभी लोग जानते होंगे कि सर में दर्द क्या होता है। तो दोस्तों इतना जान जाए, सर में दर्द कोई रोग नहीं है, एक लक्षण है बहुत सारी बीमारियों का। तो सर में दर्द अचानक होता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी फ्रंटल रीजन, कभी बैक रीजन। तो ये सब सर में दर्द होता है दोस्तों। तो इसका काउजेज क्या है? काउजेज बहुत सारे हैं दोस्तों। फर्स्ट काउजेज तो है टेंशन। टेंशन से सर में दर्द एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब टेंशन आप लीजिएगा तो सर में दर्द होगा। माइग्रेन है, माइग्रेन से भी सर में दर्द होता है। साइनस का प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी दर्द होता है। इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है। अब इंसोमेनिया में समझ रहे होंगे कि जो अनिद्रा का, ज़्यादा बढ़िया से सो नहीं पाते, उसके वजह से भी सर में दर्द होता है। स्ट्रेस के वजह से भी सर में दर्द होता है। आँखों में अगर ग्लूकोमा हो जाए, उसके वजह से भी सर में दर्द होता है। तो दोस्तों ये सब कारण है सर दर्द का काउजेस है दोस्तों। स्टोमेज प्रॉब्लम, मतलब कि पेट में खराबी हो, उसके वजह से भी सर में दर्द होता है। लीवर में प्रॉब्लम हो, अगर आपको जॉन्टिस हो तो भी सर में दर्द होता है। डायरिया अगर हो गया हो, उसके बाद भी सर में दर्द होता है। तो बहुत सारी बीमारियों का यह एक लक्षण है दोस्तों हेडक। और इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शुरुआत दौर में तो ये धीरे धीरे सर में दर्द होता है, लेकिन बाद में फिर सर दर्द आपको भयानक रूप धारण करता है। तो दोस्तों इसका होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर से बेटर मेडिसिन है दोस्तों सर दर्द का। तो सर दर्द के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये बहुत बीमारियों से सर में दर्द होता है। अगर आपको कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, कॉमन प्रॉब्लम जो सभी लोगों को होता है, तो अगर कंस्टिपेशन का दोस्तों प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो पहले आप उस कंस्टिपेशन को दूर करें, तब जा कर के आपको सर में दर्द ठीक होगा। ऐसा नहीं कि बस सर के दर्द का दवा खाए और कंस्टिपेशन रहेगा तो सर का दर्द कभी ठीक नहीं होगा दोस्तों। ये सब रीजन है कि जो रोग है पहले उसे आप मिटाइए। तो सर में दर्द आपका किस रोग से सर में दर्द हो रहा है, पहले ये पकड़ना आपको ज़रूरी है। माइग्रेन की वजह से हो रहा है कि साइनस की वजह से हो रहा है, ये सब किस वजह से हो रहा है, इसे पकड़ना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सर का दर्द बहुत तेज़ी के साथ आपको आएगा। तो दोस्तों एक कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहे हैं दोस्तों, बेलाडोना। तो बेलाडोना दोस्तों सर दर्द का बहुत ही बेटर मेडिसिन है। आप 30 पावर में लेना, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम खाएँ। उसके बाद एक और हम मेडिसिन आप लोगों को बता रहे हैं, उस मेडिसिन का नाम है चिलिडोनियम क्यू। आप उसे ताज़े पानी के साथ 10 बूंद सुबह ले लें और 10 बूंद शाम ले लें। इससे होगा कि जिन लोगों का पेट में खराबी रहता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को पेट में कंस्टिपेशन की वजह से सर में दर्द होता है और उसी के वजह से टेंशन भी हो जाता है, तो भी सर में दर्द होता है। तो अगर आप बेलाडोना खाते हैं और उससे सर में दर्द ठीक नहीं होता है, तो आप चिलिडोनियम क्यू लेकर के उसे आप सेवन कर सकते हैं 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम। लेकिन दोस्तों अगर सिम्टम मिलता है तो ही ये दवा को बाज करके दवा को लें। ऐसे दवा सर दर्द का बहुत सारे हैं, जैसे बेलाडोना क्यू। अगर सर फटा जा रहा हो तो बेलाडोना क्यू बहुत ही बेटर काम करती है। साइनस का प्रॉब्लम हो, उसमें बेलाडोना बहुत बेटर काम करती है। अगर लाइट में आप हैं और सर में दर्द हो जाता है उसके वजह से, तो बेलाडोना क्यू बहुत ही बेटर मेडिसिन। आवाज़ कोई तेज़ बोलता है उसे सर में दर्द हो, तभी बेलाडोना क्यू मदद करती है। आयरिस वर्सिकुलर, ये भी जो मेडिसिन जो है आपको बहुत ही सर दर्द में बहुत ही बेटर काम करता है, अगर फ्रंटल हेडेक हो। पेसिफ्लोरा क्यू जो है वो भी मेडिसिन जो है, इससे बहुत ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो, आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, उसके वजह से सर में दर्द हो। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन होम्योपैथिक साइंस में है दोस्तों सर दर्द का। लेकिन सर में दर्द हो तो एक तो हम एक चीज़ बताएंगे कि कॉमन मेडिसिन बेलाडोना है। बेलाडोना आप 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम खा सकते हैं और सर में दर्द जाता है तो ठीक है। लेकिन आप इसको नज़दीक के फिजिशियन से जा कर के उचित परामर्श लेकर के तब मेडिसिन का सेवन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे बीमारियों के कारण होता है, और ऐसा नहीं है कि हम YouTube के माध्यम से आपके बीमारी को जान गए कि इस बीमारी से आपको ये हो रहा है, कोई पकड़ नहीं सकता। सामने में अगर आप जा कर के बात करते हैं तो उस बीमारी को पकड़ा जाता है, तब जा कर के आपका सर का दर्द का 100% इलाज होम्योपैथिक साइंस में है दोस्तों। बस आज आप लोगों को यही बताएं सर दर्द के बारे में। बस इसका कॉमन मेडिसिन जो है दोस्तों
वह है बेलाडोना मेडिसिन। आप खुद भी लेकर उसे आप खा सकते हैं, 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम। और एक अगर पेट की खराबी की वजह से सर में दर्द हो तो पेट की खराबी के लिए चिलोडोनियम क्यू 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम लें। और बेलाडोना ऐसी जो मेडिसिन है उसे 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम लें। लेकिन और भी कोई दवा का सेवन बिना कोई फिजिशियन से पूछे हुए ना लें दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि सर दर्द का होम्योपैथिक में बहुत बेटर से बेटर ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें लक्षण का इलाज होता है। और लक्षण अगर रोग जो है उस रोग को अगर मार दिए तो उसके बाद सर का किस रोग से आपको सर दर्द है अगर वो रोग चला जाता है तो आपको सर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे नहीं है कि बस सर के दर्द के लिए मेडिसिन को ही पैथिया खा रहे हैं, उससे सर का दर्द आपको कतई नहीं जाएगा। पहले उस रोग को मारिए कि किस रोग से सर का दर्द हो रहा है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो उस स्ट्रेस को गोली मारिए, तब जाके आपको सर का दर्द खत्म होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आगे भी हम वीडियो में अच्छी से अच्छी बात आप लोगों को बताते रहेंगे दोस्तों।